स्टार्ट करते हैं आज की फी क्लास, ठीक है? राजेश कुमार आपके पास है कॉपी पेन, ले लीजिए, ठीक है? और दीपक पांडे आपसे बता दें, आपके में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने जो ग्रुप में डाला मैसेज, उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है? उसको फ्लैश करना पड़ेगा मोबाइल को। आपने savan.com पे विजिट किया है या कस्टमर का है, उससे उस पर वायरस आ चुका है, उसको फ्लैश करना पड़ेगा, फॉर्मेट से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो राजेश कुमार आपके पास पेन कॉपी है कि नहीं है? पेन कॉपी हाँ लेना पड़ेगा, उठाओ। अच्छा है, अभी छोड़ देना। श्रवण कुमार, सोनू मौर्य और जितेंद्र जी, आपसे ये कहना है कि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। सर कोई अपने तरीके से पढ़ाते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो दोनों लोगों का अलग अलग है तरीका पढ़ाने का, ठीक है? तो अगर आपको दोनों लोगों से सीखना है तो दोनों लोगों के नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें कंपेयर करना जो कन्फ्यूजन हो। सेम नहीं प्रोसेस है, हमारा तरीका अलग है सिखाने का। अरे एक दो लोग और हैं, वो भी अभी आ जाएं। अभी पहली क्लास है, मान के चलो। हेलो सर। हाँ ओके, तो हेडिंग बना लीजिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, ठीक है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, और आगे लिख लीजिए उसके कीपैड मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, आईफोन मोबाइल, यानी कि ऑल टाइप के मोबाइल। यहाँ पर हम आपको जो भी चीजें सिखाएंगे ये सभी मोबाइल को लेके चलेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी मॉडल या कंपनी वाइज पे नहीं है, यहाँ पर जो पहले आज तक आ चुके हैं मॉडल मार्केट में उनमें सॉफ्टवेयर करना, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है या भविष्य में जो आएंगे उन सभी में हमें सॉफ्टवेयर किस तरीके से करना है, ठीक है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना। अब मुझे ये बताइए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से नई तरीके से हमें इंस्टॉल करना। देखिए मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये फोन की एप्लीकेशन है जिन्हें हम यूज करते हैं, ये जितने भी एप्लीकेशन है, ये सारे फंक्शन जो होते हैं इनको सबको डिलीट करके, एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा से नए फंक्शन इसमें डालना, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर करना। ये जितने भी फंक्शन आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो, आप जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारे फंक्शन हमें हटा के डिलीट करके दोबारा से नए फंक्शन डालना, ये हमें सॉफ्टवेयर करना कहलाता है, ठीक है? आसान शब्दों में अब हम ऐसा करते क्यों है, क्यों इनको हम जितने भी एप्लीकेशन है इन सबको हम हटाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, बताइए कोई? इसका रीजन है मोबाइल हैंग करने पर, पैटर्न सिक्योरिटी कोड हो जाने पर, या फिर रीस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, ये सब वजह है सर। इसी वजह से, क्योंकि हम लोग देखो ये एप्लीकेशन है पर डे इसको यूज करते हैं, इंटरनेट भी मोबाइल में यूज करते हैं, जब ये यूज करते तो इनके अंदर वायरस यानी गंदगी जो है आ जाती है, तो इसकी वजह से ये मोबाइल तुम्हारा हैंग करने लगता है,
सुस्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं सारे फंक्शन हटा के दोबारा से नए फंक्शन डालते हैं। आप यू समझ लो कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, आज पहना कल पहना 10 दिन पहना तो गंदे नहीं होंगे क्या, और महीने दो महीने पर भी गंदे होते जाएंगे, फिर तुम्हारे शरीर को फिर तुम्हारे शरीर के ऊपर इफेक्टेड होने लगेंगे, तुम्हें नींद आएगी, आलस आएगा, मन नहीं लगेगा, ये सब चीजें होती है ना। तब के क्या करते हैं कपड़े उतार के धुल के अच्छे से सुखा के प्रेस करके फिर से पहनते हैं ना, वही कंडीशन क्यों करते हैं ताकि जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। ऐसे ही हम क्यों गंदगी क्यों आती है क्योंकि हम इसको यूज करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं मोबाइल को भी यूज करते हैं, उसमें भी इंटरनेट से कई फाइलें आती हैं, कॉलिंग वॉलिंग धूल मिट्टी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वही सब चीजें हमें क्या करना पड़ता है हटा के दोबारा से नया करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर करना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना। अब नीचे हेडिंग लिख लीजिए मोबाइल में आने वाली प्रॉब्लम, मोबाइल में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम, हम सॉफ्टवेयर कब डालते हैं, या फिर ऐसा लिख लीजिए मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर कब डालेंगे या कब डालते हैं। मोबाइल में हम लोग सॉफ्टवेयर कब डालेंगे या कब डालेंगे, ओके इस पॉइंट को लिख लीजिए। श्रवण कुमार आप नहीं नहीं नोट कर रहे हो, लिख रहे लिख रहे सर, हाँ नोट करते जाइए। आप देखो अलग अलग सबका सिस्टम है, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक। ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए मोबाइल का हैंग होना, फर्स्ट पॉइंट मोबाइल का हैंग होना। अगर मोबाइल आपका हैंग हो रहा है, कोई भी मोबाइल है, तो हमें सॉफ्टवेयर करना है। हाँ सर मोबाइल का हैंग होना लिखिए। हाँ दूसरा मोबाइल का स्लो वर्क करना, मोबाइल का स्लो वर्क करना, यानी कि देखो हैंग होना और स्लो वर्क में दो अंतर हैं। हैंग होने का मतलब कि पहले तो सही चल रहा है, चलते चलते मोबाइल क्या हो गया अचानक से हैंग हो गया, रुक गया, और स्लो चलने का मतलब वो परमानेंट स्लो ही चल रहा है, ठीक है ओके। थर्ड हाँ लेट से सुनना, हैंग ऑन। तीसरा नंबर लिखिए हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम, हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम। हैंग ऑन लोगो में क्या होता है, जैसे Samsung का है, Vivo, Oppo, MI, कोई भी Android सेट है, कीपैड मोबाइल है, तो उसमें क्या जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो वही कंपनी का लोगो लिख के आएगा वापस उसके आगे, चाहे तुम आप 5 दिन रख दो मोबाइल को, चाहे 6 दिन चाहे 10 दिन, वो वही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो भी हमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम उसमें होती है। नेक्स्ट लिखिए जैसे कि सर जियो में ज्यादातर है वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर लिख दिया सर, 4 नंबर मोबाइल का रीस्टार्ट होना, मोबाइल का रीस्टार्ट होना। आपने मोबाइल को ऑन किया फिर वो रिस्टार्ट हो गया, फिर खोला, अब इसके आगे लिख लीजिए 50% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से आती है और 50% मोबाइल के बैटरी से आती है, ठीक है, तो आपको बैटरी भी चेक करना है साथ में, तो पता चलेगी। 4 नंबर वाला पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा सर, मोबाइल रिस्टार्ट, 4 नंबर वाला पॉइंट में लिखा सर, हाँ जिसमें लिखा है मोबाइल रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ अगर मोबाइल आपका रिस्टार्ट हो रहा है तो 50% चांस है आपके सॉफ्टवेयर से, और 50% चांस होते हैं मोबाइल की बैटरी से, बैटरी अगर वीक हो जाती है तो मोबाइल में रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मोबाइल के फंक्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, मोबाइल के फंक्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना या एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना। अब जैसे कुछ सबने देखा होगा कि जो इंटरनल फंक्शन होते हैं, जैसे मान लो कैलकुलेटर हो गया आपके फोन से का गायब हो जाए, ठीक है, कैलेंडर है वो का चला जाए, बात समझ रहे हो,
कैलेंडर, कैलकुलेटर, और कभी कभी क्या होता है कि कॉल हिस्ट्री भी चली जाती है। आप किसी को कॉल करोगे तो आपके में कोई भी नंबर नहीं शो करेगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लिख लीजिए आगे प्रॉब्लम, कॉल हिस्ट्री वगैरह जो है तो वो शो नहीं करती है, कब तुमने किसको कॉल की, कब किसकी कॉल आई। ठीक है, मैसेज जो होते हैं वो भी ऑटोमेटिक डिलीट होने लगते हैं मैसेज, तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉरी नॉट सो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोलने पर वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि अगर आपने गैलरी को ओपन किया तो मोबाइल तुम्हारा ऑफ हो गया वहीं से। कभी कभी ऐसे भी आते हैं, आपने कैमरा खोला मोबाइल आपका ऑफ हो गया, आपने मैसेज खोला मोबाइल आपका ऑफ हो गया, यानी कि कोई एप्लीकेशन खोलने पे मोबाइल ऑफ हो जाना, तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैमरे से फोटो तो खिंचती है लेकिन गैलरी में स्टोर नहीं होती है। कैमरे से फोटो तो खिंच जाती है, आपको दिखाई देगी फोटो खिंच की, लेकिन जब गैलरी में आप जाओगे तो वहां पे कुछ भी नहीं शो होगा, तब भी हमें जो है सॉफ्टवेयर का काम उसमें सॉफ्टवेयर करना है, सारे फंक्शन हटा के दोबारा से सारे फंक्शन डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल शो करना, यानी कि आप उसके अंदर कुछ भी कर रहे हो, कोई एक छोटा सा फोटो भी खींच रहे हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, और उसमें क्या लिख के आ रहा है, योर डिवाइस इज फुल या योर मेमोरी इज फुल। और जबकि हम लोग क्या करते हैं उसके चक्कर में पचासों जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सारे एप्लीकेशन हम लोग क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, और फिर भी वही प्रॉब्लम रहती है, सेम प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी फुल। आप लोग काम करते हो सब, इसमें शायद सभी लोगों की जो है जितेन को शायद छोड़ के सब लोगों की शॉप है, तो आपके पास ही प्रॉब्लम आती रही होंगी। मेमोरी उसकी फुल बताएगी उसको कुछ भी, क्या बोले मोबाइल का मेमोरी, हाँ मेमोरी फुल शो करना, हमेशा शो फुल, मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल शो करना। आप कुछ भी करो मोबाइल के अंदर उसकी जो मेमोरी है वो हमेशा फुल बताएगी। आपके अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको भी अगर आप डिलीट कर दोगे तब भी आपका मोबाइल मेमोरी को फुल बताएगा, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या फिर कैमरा से फोटो वगैरह कुछ भी क्लिक करोगे। ये हो गया, हाँ सर, ये वाला प्रॉब्लम बहुत बार आया। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल में अनफॉर्चुनेटली क्लोज करके एक एरर आती है। ठीक है, जैसे ही हम ओके करेंगे ओके हो जाएगी, इसके बाद हम जैसे ही किसी एप्लीकेशन को खोलेंगे फट से आ जाएगी, जो दीपक तुमने मुझे अभी ग्रुप में जो फोटो खींच के डाली है वो आपके प्रॉब्लम है इसमें सॉफ्टवेयर करने की। दीपक जो आपने अभी मुझे फोटो भेजी थी ग्रुप में जो डाली है अनफॉर्चुनेटली करके आ रहा, देखो है ना अभी, हाँ इन्होंने एक फोटो इन्होंने हमको भी ग्रुप में हमको दिखाते हैं। ये देखो इनकी डिस्प्ले खराब है लेकिन अनफॉर्चुनेटली करके ये आ रहा है, इसको आप ओके करोगे ये ओके हो जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन खोलो कैमरा व्हाट्सएप फेसबुक फट से फिर ये आ जाएगा, आपको जो है गैलरी वगैरह ओपन नहीं होने देंगे। दीपक अपनी आवाज को आप म्यूट रखिए क्योंकि आपके में प्रॉब्लम है, आपकी तरफ बहुत आवाज आ रही है। ठीक, ये आ गया। नेक्स्ट की प्रॉब्लम, मोबाइल का डेड होना। अब इसके आगे लिख लीजिए 50-50 चांस होते हैं हार्डवेयर से भी डेड होते हैं और 50% चांस होते हैं सॉफ्टवेयर से भी डेड होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए मोबाइल का डेड होना। नेक्स्ट नंबर है सर। हाँ, नेक्स्ट नंबर मोबाइल का डेड होना। अगर आपका मोबाइल डेड है, अब डेड का मतलब ये कि सारे उसके फंक्शंस सारे एकदम कंपोनेंट सही है, शॉर्टिंग भी नहीं है, बैटरी
जो है ज्यादा खत्म कर रहा है सॉफ्टवेयर वाले में, और उसको हमें चेक करना रहता है। अब इसकी आगे लिख लीजिए, अगर डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बन रहा है, यूएसबी पोर्ट बन रहा है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है डेड में। अगर हार्डवेयर से डेड होगा तो वो डिवाइस मैनेजर में पोर्ट नहीं बनाएगा। आगे चल के सीखेंगे इसको हम, ये कंडीशन होती है। पोर्ट अगर बन रहा है तो यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, और पोर्ट नहीं बन रहा है तो फिर उसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम है अगर डेड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, मोबाइल ब्लिंकिंग करना। देखे हो आप ब्लिंकिंग, ऑन करोगे ऑन ऑफ बहुत जल्दी जल्दी होता है, ऑन ऑफ करके, ना तो वो पूरी तरीके से ऑफ होता है ना वो पूरी तरीके से ऑन होता है, तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना रहता है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है ना सर? हाँ, उसी को ब्लिंकिंग कहते हैं, कि बार बार ऑन ऑफ होना बहुत जल्दी जल्दी होता है, उसको हम लोग ब्लिंकिंग करना कहते हैं। अब नीचे नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से मोबाइल में लगे पैटर्न लॉक सॉफ्टवेयर करने, हाँ मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से, कोई भी मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से मोबाइल में लगे पैटर्न लॉक फिंगर लॉक, हाँ पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक, पासवर्ड लॉक, हाँ फेस लॉक, फिंगर लॉक, पासवर्ड लॉक, पासवर्ड लॉक रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर करोगे तो ये लॉक सारे के सारे हट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, नोट में, सॉफ्टवेयर करने से, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से गूगल लॉक के आगे लिखना है एफआरपी लॉक। हाँ इसी गूगल लॉक के आगे कॉस्टक में लिख लीजिए एफआरपी, इसी को कहते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, ठीक है एफआरपी लॉक। एमआई अकाउंट लॉक, रिमूव नहीं होते हैं, हाँ एमआई अकाउंट लॉक रिमूव नहीं होते हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप सॉफ्टवेयर करोगे किसी में, अगर गूगल लॉक लगा है या एमआई अकाउंट लॉक लगा है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर उसमें करोगे तो वो लॉक आपके नहीं हटेंगे, उसमें पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक, ये सारे जो लॉक होते हैं ये हट जाते हैं। ठीक सर, ये एफआरपी अगर मान लीजिए मोबाइल में किसी का अकाउंट ऐड नहीं है और उस मोबाइल को फॉर्मेट कर दे तो एफआरपी होगा क्या सर? नहीं, फिर उसमें क्या, जब अकाउंट ही नहीं ऐड है तो एफआरपी कहां से हो जाएगा उसका, नहीं होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, सादा मोबाइल में विदाउट डाटा लॉस किए हुए उसका लॉक कैसे खोल सकते हैं, या लॉक डाटा उसका कवर करना है, फॉर्मेट व्यूमेट नहीं करना, तो कैसे करेंगे सर? देखो एंड्रॉयड में 6.0 के जो वर्जन का जो है उससे 6.0 तक के अगर एंड्रॉयड मोबाइल उनके अंदर है तो उनका आप पैटर्न कोड रीड कर सकते हो विदाउट डाटा लॉस। 6.0 के अगर ऊपर का वर्जन है तो उसमें डेटा Android 6.0। ठीक, आपने क्वेश्चन पूछा बता दिया, लेकिन आगे हम सब चीजों को ऑलरेडी कवर करेंगे। हाँ सर, एंड्रॉयड 6.0 के ऊपर
अगर आप केमेट में पैटर्न कुछ भी लगा फॉर्मेट करोगे डेटा लॉस हो जाएगा। उससे पहले का अगर वर्जन है तो आप उसको पैटर्न कोड रीड कर सकते हो। और एंड्रॉयड 5.0 तक एफआरपी नहीं लगती है, ठीक है। 5.0 के ऊपर एफआरपी लॉक गूगल लॉक लगना स्टार्ट होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एफआरपी जो होता है 5.0 तक तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन अब आप आज डेट में आपको 5.0 वाले बहुत ही कम सेट मिलेंगे, ठीक है। 5.0 जो है उसके सब ऊपर आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर कर अब ये हेडिंग बनाइए, सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नोटिंग लिख लीजिए, क्या हेडिंग बनाई? सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट पे लगिए। मोबाइल की बैटरी कम से कम 30% चार्ज होनी चाहिए। कम से कम बात कर रहे हैं, नहीं तो होनी चाहिए 50, कम से कम 30% चार्ज होनी चाहिए। पहला पॉइंट है ये। राजेश कुमार संध्या मोबाइल से, आप नोट कर रहे हो? नहीं नोट कर रहे हो? ऑडियो ऑन करके बताओ भाई। हाँ सर। मोबाइल का बैटरी 30% चार्ज होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए। मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाता है। ऑडियो वीडियो फोटोज कॉन्टेक्ट एसएमएस सब कुछ डिलीट हो जाता है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को आप जो है बता सकते हो कि भैया अपना बैकअप बना लीजिए, ठीक है, मेरा जो है बैकअप बना लीजिए, जो आपके जो भी फोटो वगैरह है भैया, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने से भैया डेटा डिलीट हो जाता है, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, हो गया सर। तो ये आप चाहे मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी दुकान पे क्या कर सकते हो, एक नोट्स बना के प्रिंटर से निकलवा के आप चिपका सकते हो, ठीक है, ताकि ये जो है कस्टमर आप खुद ही उसको पढ़े, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करवा के वहां पे चिपका दो सामने से, ताकि जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके शॉप पे। ना कहेगा भैया हमारे इसमें फोटो थे, हमारे कॉन्टेक्ट थे, चले गए, तुम्हें बताना चाहिए था। क्योंकि हर बार हमें लोगों को ध्यान नहीं रहता है बताने के लिए कि भैया आपका डेटा चला जाएगा। हाँ। आप अपना बैकअप बना ले, ठीक है। तो आप जो है ये काम कर सकते हो भैया, एक पोस्टर लगा सकते हो वहाँ पे, एक सफेद कागज के प्रिंट आउट निकाल के। तो चीज पूछ रहा था सर जी, बोले कि बहुत सारा मोबाइल में ऐसा होता है कि पैटर्न रहता है, ठीक है, तो उसको पैटर्न भूल गया है लेकिन उसको डाटा चाहिए, तो कैसे होगा सर? बिना पैटर्न के उसको हम बैकअप कैसे लेंगे? बिना पैटर्न मैंने आपको बताया ना कि आपका एंड्रॉइड 6 तक है, तो उसका जो है आप डाटा रीड कर सकते हो, अरे पैटर्न कोड जो है रीड कर सकते हो एंड्रॉइड 6 तक, उसके ऊपर नहीं। अब इसके ऊपर अगर डेटा चाहिए तो इसके 6.0 के ऊपर के जो वर्जन है उनका अगर डेटा चाहिए, पैटर्न लॉक लगा है, तो फिर उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा
फोन डेड होने का भी रिस्क होता है, उसके लिए आपको U5 बक्स का यूज करना पड़ेगा। हम लोग डेटा रिकवर करते हैं डेड मोबाइल का, पैटर्न लॉक वालों का, जो भी कैसा भी फोन हो डेड फोन है तो 2000 रुपए लेते हैं एक सेल फोन का डेटा रिकवर कराए, तो फिर U5 बॉक्स से जो है डेटा रिकवर होता है। पॉसिबल है इतना? हाँ, उस इम्पॉसिबल का है, तरीके हैं उसके, इम्पॉसिबल का है, करते हैं, मैंने ही कई सारे वीडियो डाले हैं। उसके लिए आपको पहले बोले कि पॉसिबल है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो बहुत बहुत हाई लेवल का हो गया। ऐसे आप जो है डेटा रिकवर नहीं कर सकते। बताइए सर, मेरे पास एक तो मोबाइल आया है ना, तो जिस दिन आपसे बात हुआ था फर्स्ट उसी दिन आया था वो, एप्पल का छोटा वाला मोबाइल है सर, क्या 36 करके कुछ मॉडल है, उसका बैटरी चेंज करने के लिए आया था। बैटरी लगाया, ऑन किए, अभी उसमें मांग रहा है एप्पल आईडी और पासवर्ड, उसको कैसे करेंगे सर? एप्पल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो आपके तो एक सॉफ्टवेयर आता है, एनी अनलॉक आईफोन पासवर्ड, लेकिन ये आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। वो खरीदना पड़ेगा सर? हाँ, इसमें सारे लॉक खुल जाते हैं, एनी अनलॉक, आईक्लाउड वगैरह सब खुल जाएगा इसके अंदर, लेकिन बट आपको ये खरीदना पड़ेगा, पैड सॉफ्टवेयर है। इसका कितना पड़ता है सर ये सॉफ्टवेयर का? इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाके प्राइसिंग आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एप्पल आईडी है, जो भी आप लोग, नहीं नहीं एप्पल के लिए है। हाँ, रिसेंट में एप्पल का जितना मोबाइल है सबका उड़ जाएगा सर, सबका उड़ जाएगा सर। एप्पल आईडी? हाँ, एप्पल आईडी अपने पास सर। लगभग सिर्फ कितना प्राइस होगा सर? बहुत महंगा होगा। अब महंगा तो भाई है ही, क्या करोगे, खरीदना पड़ेगा या पूरा। एनी अनलॉक, सर इसका क्रैक वर्जन नहीं आता? क्रैक आप देख लीजिए, काम करता है नहीं करता, हमने तो अभी ट्राई नहीं किया क्रैक क्रैक करके। सर इसका साल भर का वैलिडिटी, बार बार रिचार्ज करना पड़ता है साल भर में कि वन टाइम? नहीं, एक सेकंड लग गया, देखो यहाँ पे लिया है ना प्राइस लिस्ट, सारे फोन होते हैं इसमें, ठीक है, प्राइस आते हैं, चेक कर लो उसका प्राइस क्या है। आईफोन अप्रूव्ड ऑन द इंडिया नेटवर्क, कितना टाइम के हिसाब से आता है? सबका टाइम अलग अलग होता है, इसमें तो नहीं दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम लिख लीजिएगा, आपको गूगल पे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, एनी अनलॉक है, ये आईफोन है तो एनी अनलॉक है। एनी अनलॉक सॉफ्टवेयर, देख रहे हैं ना। आपने इसमें पूछा तो बताया दे रहे, लेकिन ये बात का पार्ट है। अनलॉक
ये साइट बंद हो गई है क्या? पता नहीं, मैं पास तो काफी दिनों से पड़ा है तो मैं। ये आ गया बाई नाउ iMobile.com है। iMobile.com महंगा है काफी। अब इसके लिए आप जी समझ लो कि 5 वाला प्लान ले लो लाइफ टाइम के लिए। 5 डिवाइस आप अनलॉक कर सकते हो 4,570 रुपए लगभग। 10 मोबाइल के लिए 5,330 रुपए। ये सेव कर लो, 10 अनलॉक कर लो आप। 10 डिवाइस है यहाँ। 1 year plan. ये अगर लेना है तो फिर ये वाला लेना, ये वाला। इसमें 10 आपके आईफोन जो है अनलॉक हो जाए। इससे जो है आप आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, उसके लिए फोन को पहले जेरी ब्रेक करना पड़ेगा। बहुत सारे जाम दाम होता है। नैंड को जो है प्रोग्राम करना पड़ता है, तो बहुत हाई लेवल पे आता है। फिर उसमें आईसी वगैरह निकाल के, जो नैंड आईसी होती है वो निकाल के उसको प्रोग्राम किया जाता है, तब हटते हैं जाके। चलिए, कहाँ थे आपने भटका दिया हमको, किस जगह पे थे बताइए, क्या चल रहा था, क्या बता रहे सर? ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाता है, वो लिखा है। ठीक है, हाँ, पूरी तरीके से। बैटरी चार्ज होनी चाहिए, ये भी पॉइंट लिखवा दिया है। हाँ, बैटरी 30% मिनिमम चार्ज होनी चाहिए। मोबाइल नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर, मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के दौरान डिस्कनेक्ट नहीं करना है। डिस्कनेक्ट, पता चले मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो रहा है, आपने डाटा केबल बाहर निकाल दी, डिस्कनेक्ट नहीं करना है। डिस्कनेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के टाइम आपका लैपटॉप ऑफ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो यूपीएस लगा के आप यूज कर सकते हो। लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें बैटरी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर यूपीएस वाला इन्वर्टर होना चाहिए, ताकि पता चले सॉफ्टवेयर हो रहा और आपके यहाँ की लाइट चली गई और मोबाइल जो है ऑटोमेटिक, लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो गया। आपका फोन में जो आधा प्रोसेस ही हुआ, आधे एक बार बंद हो गया जाके, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात है। अभी लिंक कट जाएगा, हम दोबारा से लिंक सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है।